मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लव जिहाद और गुंडे बदमाशों को लेकर आक्रामक हैं। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में एक भी गुंडे बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उज्जैन जिले के नांता में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा किसी गुंडे की दादागिरी नहीं चलेगी, घर मकान तोड़कर तबाह कर दिया जाएगा, किसी भी गुंडे बदमाश और पाखंडी को छोड़ा नहीं जाएगा और ऐसे बदमाश भी सावधान रहें जो धर्मांतरण के नाम पर बेटियों को बहला फुसला रहे हैं। धर्मांतरण कानून बनाकर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गरीबों के साथ सरकार खड़ी रहे और बदमाशों की अक्ल ठिकाने लगा दी जाए। उनके घर मकान सब तोड़ ताड़ के बराबर कर रहे हैं, ऐसे गुंडों को बदमाशों को तबाह कर देंगे, करना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, करना चाहिए कि नहीं? कोई गुंडा, कोई दादा, कोई बदमाश, कोई पाखंडी नहीं छोड़ा जाएगा। गरीबों का किसी को छीनने नहीं दूंगा। और ऐसे बदमाश भी सावधान हो जाए जो प्रेम के नाम पर धर्मांतरण का पाप करते हैं, बेटियों को बहलाते फुसलाते हैं। ऐसे बदमाशों को ठीक करने के लिए लव जिहाद का कानून बना के उनको भी ठीक कर दिया जाएगा। उन पर काम चल रहा है हमारा, और प्रशासन को मेरे साफ निर्देश है, गरीबों के साथ सरकार खड़ी रहे और बदमाशों की अकल ठिकाने लगा दे। आपके लिए सरकार चलेगी, आम जनता के लिए सरकार चलेगी, आपका हक आपको देगी। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।